और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है। लखनऊ के आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर ये धमकी मिली है। लखनऊ के आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है, व्हाट्सएप के जरिए धमकी मिली है। आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी, लखनऊ के आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है और व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है, वो भी लखनऊ के आरएसएस दफ्तर को उड़ाने की धमकी, जो कि व्हाट्सएप के जरिए मिली है। व्हाट्सएप के जरिए ये धमकी दी गई है। हालांकि इसके पीछे कौन है, इसकी डिटेल्स भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, आरएसएस दफ्तर को धमकी मिली है उड़ाने की। यूक्रेन जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री के लिए अपने पड़ोसी देश सर्बिया जाने के सभी हवाई रास्ते बंद हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उन्हें सर्बिया के साथ पिछले दिनों नेचुरल गैस की सप्लाई पर हुई अहम डील पर हस्ताक्षर करने के लिए वहां की राजधानी बेलग्राड पहुंचना था, लेकिन सर्बिया के मीडिया के मुताबिक उनके दौरे से ठीक पहले सर्बिया के तीन पड़ोसी देशों बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और मॉन्टेनेग्रो ने उनके विमान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव को अपना बेलग्रेड का दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि सर्बिया के पड़ोस में मौजूद यूरोपियन यूनियन के दूसरे देश पहले ही यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर चुके थे। और यही वजह रही कि दौरे से ठीक पहले सर्बिया के तीन पड़ोसी देशों की इस कार्रवाई पर रूस बुरी तरह भड़क गया, और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने इसे सर्बिया के साथ हुई डील को अटकाने की पश्चिमी देशों की सोची समझी साजिश बता दिया। असल में कुछ दिन पहले रूस ने सर्बिया के साथ नेचुरल गैस पर जिस डील का ऐलान किया था, उससे यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ गई,